हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का लोगो डिजाइन क्रिएट करना सीखने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन से मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन करूंगा। मैं यहां पर एक कॉमन सा वर्क स्पेस क्रिएट कर लेता हूं और यहां पर मैं सबसे पहले ग्रिड टूल को सिलेक्ट करूंगा, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। इसके लिए मैं लाइन सेगमेंट टूल वाले सेक्शन के अंदर में जाऊंगा और यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल देखने को मिलेगा। वन टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं अराउंड 350x400 का एक ग्रिड कैपी करूंगा, जिसमें नंबर ऑफ डिवाइजर इन ओरिजेंटल वो 10 रखेंगे और वर्टिकल जो डिवाइडर्स हैं वो 8 रखेंगे और एज इट इज रहने देंगे और सीओ को, और देन क्लिक एंड ओके। ये ओके क्लिक होने के बाद ही नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाएंगे। इस सारे शेप को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे चाहे तो हम सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। ये करने के बाद अब मैं इन सारे शेप को सिलेक्ट किया रहूंगा और जाऊंगा शेप बिल्डर टूल में। शिफ्ट एम का यूज कर सकते हैं शॉर्टकट शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करने के लिए, और इन सारे जो टॉप वाले लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा। कलर चेंज करने के लिए इस स्ट्रोक को मैं कर दूंगा नॉन सबसे पहले, और कलर की चेंज कलर को चेंज करके कर दूंगा ब्लैक इन कलर, समथिंग लाइक दिस। कलर चेंज होने के बाद मैं अब इस जो टॉप वाले लेयर है उसमें स्ट्रोक डिफाइन करूंगा ब्लैक कलर का। सिमिलरली ये बॉटम वाले जो लेयर है उसमें भी स्ट्रोक डिफाइन करूंगा, दिस लुक्स ओके। अब मैं क्या करूंगा कि जो ये स्वास्तिक का जो कलर है वो डिफाइन करूंगा। इसके लिए वन राइट छोड़ कर फोर लेफ्ट की तरफ आएंगे और फिर से नीचे जाएंगे और कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया, मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस। यस, अगेन मैं यहाँ से टॉप से आएंगे और कुछ इस तरह से मैं डिफाइन कर दूँगा समथिंग लाइक दिस। ये डिफाइन होने के बाद भी नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाएंगे या फिर इन सब को फिर से सिलेक्ट किए रहेंगे, शिफ्ट एम से शिफ्ट बिल्डर टूल में ही रहेंगे और अल्ट के साथ ये जो अनवांटेड लेयर्स हैं या फिर जो बॉक्सेस हैं उसे हम कर देंगे डिलीट समथिंग लाइक दिस। ये डिलीट होने के बाद भी नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाएंगे और इसकी स्कोप का जो वैल्यू है उसे चेंज करके कर देंगे हम नॉन। ये स्कोप नॉन होने के बाद हम इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा, इसके लिए ब्रशेस को सिलेक्ट करेंगे। आप विंडोज वाले सेक्शन के अंदर में जाकर ब्रशेस को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। याद रखें कि इस शेप को सिलेक्ट किए रहना है। फिर मैं पैटर्न ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, देन क्लिक ऑन ओके। ओके को क्लिक करने के बाद पैटर्न ब्रश नेम वन लगने देंगे और सारे चीज़ को एज इट इज रहने देंगे, देन क्लिक ऑन ओके। ओके होने के बाद अब इन सारे शेप को मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा, ग्रुप बटन पे क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं एक सर्कल क्रिएट करने वाला हूँ, उसके लिए इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट एल का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में मैं कुछ इस तरह से एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। वी नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाते हैं, इस शेप को सिलेक्ट करके मैं कर लूंगा सेंट्रली ये लाइन। इसके बाद मैं इसके फिल को कर दूंगा नॉन। फिल नॉन होने के बाद मैं इस पे ये जो पैटर्न ब्रश क्रिएट किया है वो अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। अब मैं एक और चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि अब ये अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहें तो इससे यहाँ पर भी नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाएंगे। अगर आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ ऐसे स्क्वीज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का शेप ये क्रिएट हो रहा है। हम चाहें तो डिफरेंट टाइप का शेप क्रिएट करके कुछ अलग तरह का लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं, समथिंग लाइक जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह कार से रिलेटेड या फिर व्हीकल से रिलेटेड कुछ लोगो क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर कुछ पुराने सीरीज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लोगो क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिफरेंट तरह का लोगो हम क्रिएट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस। इसका मैं एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब अपने लोगो की तरफ बढ़ेंगे, शिफ्ट के साथ में मैं इसे करूँगा स्केल और मेरे को जितना रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्केल कर लेता हूँ। आई थिंक दिस शुड बी ओके फॉर मी। यस, अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ जो स्केल है उसकी वैल्यू को मैं चेंज करूँगा ताकि नंबर ऑफ ये जो स्वास्तिक है वो मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकूँ समथिंग लाइक दिस। आई थिंक दिस शुड बी ओके अराउंड 3% या देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पर मैं अप्लाई टू स्टॉक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये स्वास्तिक क्रिएट होने के बाद अब हमें ये लोगो प्लेस करना है
और ये कुछ टेक्स्ट वगैरह प्लेस करने हैं। इस लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना रखे हैं जो कि 3-4 मिनट का वीडियो है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वीडियो को देखें और वहां से ये लोगो उठाकर डाल सकते हैं। तो साथ में ये स्वास्थ्य के साथ में ये लोगो काफी ही सुंदर देखने को लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।